दोस्तों, एक और नए लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये है फिर इस तरह से व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और समय हुआ स्कूल की छुट्टी का, और अचानक मैंने देखा कि बाहर की दीवार पर काफ़ी सारे लोग कुछ देख रहे थे। मुझे लगा ही शायद कोई ट्रेजेडी किसी के साथ हुई तो नहीं, कोई क्या हो, क्या है यहाँ, कोई गिर गया क्या? अच्छा, इधर सुबह से छिपा हुआ है कई बार, नहीं यहाँ से भी देख रहे ना, मुझे नहीं दिखाई दिया था। दोस्तों, ब्रिटिश समय का यह बना हुआ डैम अपने घुमावदार आकार की वजह से एक यूनिक पहचान रखता है शहर में, जो कि ऐसा कहा जाता है धान के खेतों में घुमावदार मेड़ होने से पानी का दबाव संतुलित रहे, इसलिए इसको यह रूप दिया गया। वर्तमान में यहाँ पर बहुत सारी इमारतें और कोठियाँ बन चुकी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे आबादी भी बन चुकी है पहले, लेकिन पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको दो पिक्चर पुराने समय की ब्रिटिश लाइब्रेरी से आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट पता हो जाएगा कि वर्तमान और पहले के समय में यहाँ पर कितना अंतर आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है आपके सामने और ये वर्तमान समय की तस्वीर है। ये मैं अपने आपको 360 के एंगल पर ले लेता हूँ। मेरे पीछे वाले पर कुछ सूरज का रिफ्लेक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो मे भी शायद वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैं अब अपोजिट डायरेक्शन से आता हूँ, और इस तरह से बहुत सारी इसमें होटल वगैरह, गेस्ट हाउस वगैरह, और काफ़ी सारी इमारतें बन चुकी हैं। समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होते रहता है, एवरीथिंग इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द तब से लेकर अब तक सामाजिक परिदृश्य में काफ़ी अंतर आया। सामाजिक संगठन मजबूत भी हुए, तब इतनी आबादी नहीं थी तो यहाँ का पर्यावरण एकदम साफ था। वर्तमान समय में यह नगर नौकायन और एडवेंचर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है, साथ ही यहाँ पर पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ भी तेज़ी से बढ़ी हैं। लेकिन जिस तेज़ी से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाओं की आज भी काफ़ी कमी है। सबसे ज़्यादा कमी जो यहाँ पर है वो है यातायात के साधनों की। यहाँ पर लोगों ने सभी ने अपने पर्सनल व्हीकल इसलिए रखे कि यहाँ पर यातायात बिल्कुल नहीं, सारे कुछ जो है जो भी ट्रांसपोर्टेशन केवल सरकारी बसों पर डिपेंड है। इसके अलावा आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, तो ये लोगों की मजबूरी हो जाती कि उन्होंने अपने अपने वाहन रखे हुए हैं और उसी से अपना आवागमन समय से कर लेते हैं। तरीके से मैं ऑन द वे पे कर चल रहा हूँ, मेरे एकदम राइट हैंड साइड, आप मान के चलो राइट हैंड साइड में लेक है और लेफ्ट हैंड साइड में पर्वतीय एरिया है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि झाड़ियाँ हुई हैं, तमाम ऐसा कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है जिसको अच्छे तरीके से सजाया जा सकता था, जिससे कि यहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटक आते और ज़्यादा घूमने लायक जगह बनती। लेकिन इस पर सुधार होगा धीरे धीरे, हर चीज़ में समय लगता है। अभी थोड़ा कुछ मेंटेनेंस वगैरह का भी काम हो रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा, जिसमें कि डैम की मरम्मत होनी है। और इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई एम वॉकिंग ऑन द वे राइट नाउ। यह मार्ग भी जगह जगह से टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसमें भी संभल कर चलना पड़ता है। उस समय मैं हूँ उत्तराखंड नैनीताल में भीम सरोवर के तट से, आपको इस तरह से लोकेशन दिखा रहा हूँ। भीड़ भाड़ अभी कम है, टूरिस्ट सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो सैलानी की भीड़ अपेक्षा कम है, और यहाँ पर काफ़ी अभी सुनसानी चाहिए। और यहाँ पर जब टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो काफ़ी भीड़ भाड़ और चहलकदमी शुरू हो जाती है। इसी क्रम में मैं डैम के ऊपर आगे बढ़ा हूँ, और इस तरह से तालाब का व्यू यहाँ से दिखाई देता है आपको, और डैम के एकदम से पीछे से विलेज का व्यू और पेड़ों की हरियाली दिखाई देती है। डैम के राइट हैंड साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्वेरियम कैफे हैं, जो आपको बीच में तापनुमा संरचना दिखाई दे रही है। ये पूरा जो है भूभाग चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, इस पर वर्तमान में एक्वेरियम कैफे बनाया गया है, और ये इस समय का व्यू है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यही समय मेरे यहाँ पर आने का होता है, समय हुआ है लगभग 2 बजे का, आसमान बिल्कुल साफ है, खेतों में फसल का काम शुरू हो गया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई और शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। आई एम वॉकिंग ऑन द डैम राइट नाउ ऑन द फुटपाथ। आई एम शोइंग टू यू, दिस इज द आफ्टरनून मिड डे एंड विलेज व्यू फ्रॉम हेयर। यहाँ से गांव के मकान इस तरह से दिखाई देते हैं, और ये यहाँ का व्यू है। इस तरह से हम इसमें पैदल चलते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर अभी कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसकी वजह से यातायात का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, और यहाँ पर अभी चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये है फिर इस तरह से यहाँ का व्यू इस समय का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया,
अब काफ़ी अच्छा हो गया, पैदल चलने वालों के लिए भी कोई यातायात का अवरोध उत्पन्न नहीं होता, अदरवाइज पैदल चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। कर दिया गया पानी छोड़ा जा रहा है सिंचाई के लिए और हल्द्वानी शहर के लिए, तो इस वजह से पानी का लेवल भी थोड़ा सा कम हुआ है। जैसा कि मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँ, ये यहाँ का पानी कम कर दिया क्योंकि अभी बांध की मरम्मत का काम होना है। ये डक्स वगैरह भी बैठी हुई हैं। ज़्यादा स्पष्टता के लिए मैं आपको बैक कैमरे पर ले आऊँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है तालाब का पानी छोड़ा जाता है, यहाँ तक पानी भरा ही रहता है, लेकिन अभी इसकी मरम्मत होनी है तो इतना सारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरफेस एरिया बन गया और इसका पूरा पानी यहाँ पर खाली हो गया। वैसे भी गर्मियों में पानी की एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ जाती है पेयजल और सिंचाई के लिए, तो जितना भी आप गैप देख पा रहे हैं तो इतना सारा पानी इसमें अभी खाली किया गया। इसके बाद इसकी मरम्मत की जाएगी और साथ में कुछ डक्स भी है जिनकी आप आवाज़ें सुन, क्योंकि केवल पैदल चलने वाले पदयात्री ही इस बात पर चलते हुए जा रहे हैं मेरी ही तरह। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवकालीन है, जिसका निर्माण भीम के द्वारा एक गदा के प्रहार से जब यह तालाब बनाई गई तब यह मंदिर उत्पन्न हुआ कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम भीमेश्वर मंदिर भी है। दोस्तों, इस डैम और इस मंदिर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो पहले बना रखा है, उसी का ये वॉल्यूम 2 है। जो हिस्सा मेरे से छूट गया था, या लाइफ स्टाइल ब्लॉग आजकल इसकी क्या स्थिति है, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आजकल इसकी बांध की मरम्मत होनी है तो इस वजह से काफ़ी पानी छोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे, टापू का भी काफ़ी सारी मिट्टी दिखने लगी है और इधर से हम डैम को देखते हैं, डैम से भी काफ़ी मिट्टी अब आने लगी है। अब इसके बाद इसमें मरम्मत की जाएगी क्योंकि इसमें हर चीज़ को समय देना पड़ता है। और तालाब के किनारे रिवर बैंक तो नहीं करना चाहिए, लेक बैंक पे कुछ जल क्रीड़ा वगैरह होती है, वाटर एडवेंचर वगैरह होते हैं, अभी इसकी तैयारियां चल, हालांकि कुछ लोग आने भी लगे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मेन लोग तभी आते हैं जब दिल्ली वगैरह में स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो जाते हैं, तब सीजन के बारे में अपनी राय जरूर दे रहे हैं, समय हुआ स्कूल की छुट्टी का। तो इसी चित्र का मैं आपको दूसरा पहलू पलटा कर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे, बड़े पैमाने पर जंगलों पर आजकल यहाँ पर आग लगी हुई है और विजिबिलिटी इतनी कम हो जा रही है कि धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। जैसा पहले पहाड़ों में ठंडी हवा ठंडा वातावरण मिलता था, लेकिन प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि सारी जंगलों को लोग आग लगा देते हैं, पता नहीं कौन लगाते हैं, असामाजिक तत्व कहीं कहना चाहिए, जो कि मानवता के दुश्मन होते हैं। पेड़ों के द्वारा किए गए काम को हम किसी भी विजिट में ले ही नहीं सकते, जो हमें प्राणवायु देते हैं, और इसके महत्व को समझाना, हर कोई इसके महत्व से परिचित है, फिर भी लोग आग लगाते हैं। और यहाँ पर जहाँ से कि मैं देख पा रहा हूँ और हम लोग खुद भी देख रहे हैं, 10-15 दिन से लगातार जंगल भी जल रहे हैं, कई जगह आग बुझाई जा चुकी है लेकिन फिर भी लगातार जंगल जल रहे हैं। इसका बारे में आप ज़्यादा जानकारी लोकल अखबार अथवा वेबसाइट में जाकर न्यूज़पेपर की वेबसाइट भी देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, यू में प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ आउट माई अपकमिंग वीडियो। इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट्स के साथ अपडेट रहने के लिए आज ही मेन चैनल पर आए, सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है। थैंक्स फॉर स्टे टेलिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।